और फिर अलकाजी साहब का गद्दार कहना वो मुझे बहुत चुभा फिर हुआ क्या था ठीक ठीक जब मैंने उसको जाके बताया कि मेरा कोर्स खत्म हो रहा था वो खींचने लगे थे आपको डायरेक्शन की तरफ वैसे ही वो डायरेक्शन में मुझे खींचना चाह रहे थे मैं एक्टर बनना चाहता था तो फाइनली मैंने जिद करके मैं वापस एक्टिंग कोर्स में आ गया लेकिन कोर्स खत्म होने को आया तो मुझे ख्याल आया कि अब मैं क्या करूंगा क्योंकि वो खफा थे तो वो मुझे रेपरी कंपनी में लेने वाले नहीं थे वो उन्होंने साफ कर दी थी बात युववाणी के पंद्रह रुपए मिलते थे टीवी पर एक ब्लैक एंड वाइट चैनल था जिसमें कभी कभी नाटक भी हो जाया करते थे रेडियो पर दस रुपए या पंद्रह वो पंद्रह रुपए का चेक लेके ऑल इंडिया रेडियो से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाते थे <laughs> वो बिल्कुल सामने था ए आई आर के और मेरे सामने जो बंदा है वो बीस हजार रुपए का चेक कैश करा रहा है और फिर मैं कैश नहीं मिला मैं मैं इसी काउंटर पर सही काउंटर है कि नहीं पंद्रह रुपए का चेक है